नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का लेसन एक गिटार प्रैक्टिस लेसन है और ये सीरीज में दूसरा लेसन है। मैंने जिससे पहले लेसन पोस्ट किया था, आप उसे ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा होगा। ये लेसन जो है बिगिनर्स के लिए है, तो हम एक स्ट्रमिंग पैटर्न लेंगे जो कि बहुत से पॉपुलर गानों में यूज़ किया गया है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पैटर्न कहाँ यूज़ किया गया है। मैं अपने ही कुछ लेसन से आपको क्लिप्स दिखाऊंगा और उन लेसन के आपको लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा। उसके बाद हम जो है उस पैटर्न को धीरे धीरे बजाएंगे। वैसे मैं तो ए माइनर में बजाऊंगा, आप चाहें तो इसे किसी भी की में किसी भी कॉर्ड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए पहले देखें ये पैटर्न किन किन गानों में यूज़ किया गया है। मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। तो अभी आपने देखा कि ये पैटर्न किन किन गानों में यूज किया गया है। और भी बहुत से गाने हैं, मैं आपको इन सारे गानों के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा। अब आइए इस पैटर्न को हम साथ में बजाते हैं। मैं धीरे धीरे बजाऊंगा, हमेशा की तरह मैं पिक की जगह अपने फिंगर्स यूज करूंगा, लेकिन आप चाहें तो इसी पैटर्न को पिक के साथ भी बजा सकते हैं। आपके हाथों का एक्शन वही रहेगा जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। तो आइए हम इस पैटर्न को बजा के देखें।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रैक्टिस लेसन से फायदा हुआ। अब पिछले लेसन की तरह मैं आपको जाने के पहले कुछ टिप्स देके जाऊंगा। इस बार भी मैं वही टिप्स दोहराऊंगा जो कि मैंने पिछले लेसन में दोहराया था, ताकि जिन्होंने वो लेसन नहीं देखा है उनको इन टिप्स से फायदा हो सके। सबसे पहली बात, आप अपनी टाइमिंग इम्प्रूव करने के लिए ट्रैक के साथ बजाएं। आप अगर ओरिजिनल गानों के ट्रैक्स के साथ न बजा पाएं तो आप किसी भी मेट्रोनोम या बीट वाले ऐप को डाउनलोड करें और जो टेम्पो आपको पसंद हो उस टेम्पो के साथ आप बजाएं। टेम्पो को आप शुरू में स्लो रखें ताकि आपको बजाने में आसानी हो, और धीरे धीरे आप फिर स्पीड बढ़ाएं ताकि आपकी टाइमिंग जो है पक्की होती जाए। दूसरी बात, आपके हाथों का जो मूवमेंट है डाउन अप कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। आपने देखा होगा मेरे सभी लेसन्स में मैं हमेशा डाउन अप बजाता हूँ, और जहाँ गैप्स होते हैं मेरे हाथों का मूवमेंट भी जो है डाउन अप चलते रहता है, चाहे मैं स्ट्रोक बजाऊं या ना बजाऊं। और तीसरी बात, आप जो भी कॉर्ड बजा रहे हों, चाहे वो ओपन कॉर्ड हो चाहे बार कॉर्ड हो, प्रैक्टिस करते वक्त आप ज़रूर बजा के देखें कि आपके स्ट्रिंग्स जो हैं सारे बराबर साउंड कर रहे हैं कि नहीं। यानी कि अगर छहों स्ट्रिंग को आप बजा रहे हों तो छहों स्ट्रिंग की आवाज़ क्लियर आनी चाहिए, उनकी वॉल्यूम लेवल भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्ट्रमिंग की जो साउंड की क्वालिटी है वो बेटर होती जाएगी। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगले लेसन में मैं आपको और एक पैटर्न दिखाऊंगा और भी कुछ टिप्स दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं। शुक्रिया।